मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पड़ोस है, जिसमें इस बार फिर से पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के बारे में विभूति नारायण राय साहब, हमारे जो दानिश्वर इस प्रस्तुतकर्ता हैं इस कार्यक्रम के, वो आपके सामने उपस्थित हैं और पाकिस्तान के विभिन्न मसलों पर वो आपको, जो इस समय कंटेम्प्रेरी आज के वक्त के मौजू हैं, उन पर आप उनका तबसरा सुनेंगे। पड़ोस हम पिछले काफ़ी समय से अब उसे रेगुलर करते चले जा रहे हैं और हर रविवार अभी आपके सामने प्रस्तुत होता रहेगा। उम्मीद है कि आप इसे सराहेंगे, जैसे हमारे दूसरे कार्यक्रमों को देखते और सराहते और हमें सिखाते पढ़ाते रहते हैं कि हमें उसमें क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए और उनमें कैसे उनको उन्नत बनाना चाहिए। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको सुनने के बाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। देखिए, एक पखवाड़े बाद फिर हम इस कॉलम में पाकिस्तान के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। पिछला पखवाड़ा पाकिस्तान के लिए लगभग वैसा ही बीता जैसा भारत का था। कोविड था, कोविड की चर्चाएँ थी, कोविड के दौर में सफलताओं और असफलताओं की गाथाएं थी और भ्रष्टाचार था, राजनीतिक उठापटक। इस बीच में पाकिस्तान का बजट भी पास हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे मुझे नहीं लगता जो बहुत रूटीन की हैं, जिनमें भारतीय दर्शकों की, भारतीय श्रोताओं की बहुत दिलचस्पी होगी। मैं सिर्फ एक ख़ास तरह की बहस जो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान में चल रही है उस पर इस बार अपने को केंद्रित करूँगा और पाकिस्तान के एक बड़े साइंटिस्ट, अध्यापक, नागरिक अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध और भारत पाकिस्तान दोस्ती के हामी परवेज हूद भाई का जिक्र करूंगा, जिन्हें इस बीच में परेशान किया गया अपने विचारों के कारण। एक शिक्षण संस्थान जहां वो काम करते थे वहां से उन्हें निकाल दिया गया। तो इन्हीं दो चीज़ों को मुझे लगता है कि इन दोनों घटनाओं में भारतीय दर्शकों की, भारतीय श्रोताओं की दिलचस्पी होगी। पहली चर्चा तो शुरू हुई, ये एक तुर्की का सीरियल है जो 11वीं शताब्दी के एक इस्लामी योद्धा के ऊपर बनाया गया। इसका 13वीं शताब्दी, 11वीं नहीं 13वीं शताब्दी के एक इस्लामी योद्धा के ऊपर बना है, जिसका शीर्षक है अर्तगल गाजी। अर्तगल गाजी वो नायक है जिसके ऊपर ये पूरा पूरा सीरियल बना है। ये एक काल्पनिक चरित्र है और जिस तरह से हम इतिहास के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं उसी तरह के खिलवाड़ किए गए हैं और उसे एक लार्जर देन लाइफ इमेज बना करके उसे पेश किया गया। एक तरह से इस्लाम के इतिहास के गौरवशाली चैप्टर के तौर पर ये चरित्र लाया जाता है। और फिर पाकिस्तान में अचानक कैसे ये लोकप्रिय हो गया। पाकिस्तान में स्थिति ये हो गई कि इमरान खान ने इसको ख़ास आदेश दे करके पाकिस्तान टीवी पर इसको प्रसारित कराना शुरू किया, उर्दू में डब करके। अपने ट्विटर पर इमरान खान ने लिखा कि ये चरित्र हमको इस्लाम के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराता है। और मज़ेदार बात है, उस ट्विटर में एक उन्होंने एक जिसे जिस पर शर्म आनी चाहिए थी उस पर गर्व महसूस करते हुए ये लिखा कि उन्हें गर्व है कि 600 वर्षों तक तुर्की का हमारे ऊपर शासन रहा। पहली बार इस तरह का कोई कमेंट आप पाएंगे जिसमें अपने ऊपर विदेशियों के शासन को गौरवशाली माना गया। हालांकि ऐतिहासिक रूप से भी ये गलत है, तुर्की का जिस पूरे मुस्लिम पीरियड को वो तुर्की का शासन कह रहे हैं, तो इतिहास की खैर उनकी जैसी समझ है इमरान खान की, उसमें कोई बहुत इसे इस पर कोई बहुत अचंभित हमें नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बहस पाकिस्तान में शुरू हुई वो इसको लेकर के एक आइडेंटिटी की बहस थी। ये बहुत सारे लोगों ने कहा, जिसमें वहाँ के इतिहासकार थे, शिक्षाविद थे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे और अभी मैंने जिक्र किया आपको यहूद भाई का। यहूद भाई एक तरह से इस पूरे ब्रिगेड का नेतृत्व कर रहे थे जो इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहा था। उन्होंने कहा कि भाई हम एक तो इस बात पे गौरवान्वित नहीं हो सकते कि किसी ने आकर के हमारे ऊपर 600 साल या 1000 साल शासन किया हो, दूसरी चीज़ है कि हम कब तक अपने नायक बाहर तलाशते रहेंगे।
पहले विभाजन के कुछ वर्षों तक हम अपने को अरब से जोड़ते रहे, अपने को अरब मूल का साबित करने के लिए हमने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, अब हम अपने को तुर्की मूल का साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक खास तरह की आइडेंटिटी क्राइसिस है जो पाकिस्तान के जन्म के साथ ही शुरू हो गई थी। मुझे याद है मैं कुछ वर्षों पहले कराची विश्वविद्यालय में एक पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट में वहाँ गया हुआ था, तो पाकिस्तान स्टडीज़ डिपार्टमेंट में एक बड़ी मज़ेदार बहस, बड़ी दिलचस्प बहस ये हो रही थी जो वहाँ के छात्र खासतौर से रिसर्च स्कॉलर्स और अध्यापक इकट्ठे हुए थे और मैं उनके साथ बात कर रहा था। उसमें सबसे दिलचस्प बहस यही थी कि पाकिस्तान का इतिहास शुरू कब होता है, क्या पाकिस्तान का इतिहास 1947 से शुरू होता है या पाकिस्तान का इतिहास 711 से जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध आया तब से शुरू होता है। अगर मोहम्मद बिन कासिम से पाकिस्तान का इतिहास शुरू होता है तो मोहनजोदड़ो का क्या होगा, तब तक्षशिला का और गौतम बुद्ध का क्या होगा, या अगर हम उसके थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो क्या हम महाराजा रणजीत सिंह हमारे इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय नहीं होगा। ये सारी चिंताएं थी जो उस रिसर्च स्कॉलर्स के और अध्यापकों के साथ जो विमर्श हो रहा था उसमें उभर के आ रही थी। तो ये एक पुरानी बहस है पाकिस्तान में जो आइडेंटिटी को लेकर के लगातार चलती रही। आपको याद होगा कि एक गलत स्थापना बनाई गई जिसमें कहा गया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशंस हैं और ये साथ नहीं रह सकते, और दुर्भाग्य से इस स्थापना को बहुत बड़े तबके ने स्वीकार भी कर लिया और इसी आधार पर देश का विभाजन हुआ। लेकिन विभाजन के फौरन बाद ये सवाल उठने लगा कि अगर हिंदू और मुसलमान दो अलग नेशंस थे तो लगभग पाकिस्तान जितने मुसलमान भारत में क्यों रुक गए। खुद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने इस एक जिसे आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल शेप दिया था इस स्थापना को और एक मूर्त देश बनाया था, खुद उनके परिवार के ज़्यादातर लोग नहीं आए, वो सिर्फ अपनी बहन के साथ बम्बई से कराची गए। तो या 1971 में जब बांग्लादेश बन गया तब फिर इस सिद्धांत का क्या हुआ, अगर मुसलमान एक राष्ट्र थे तो फिर 1971 में कैसे वो दो क्या बल्कि भारत को भी ले लें तो तीन मुल्कों में कैसे बट गए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था और इस सवाल को तो आज़ादी के फौरन बाद से जैसे मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के फाउंडर थे, पठानकोट में उन्होंने जमात इस्लामी का हेडक्वार्टर बनाया था, बाद में पाकिस्तान ले गए, उनके अपने बेटे जो फारूक मौदूदी हैं वो लगातार ये सवाल उठाते रहे कि अगर मुसलमान एक अलग नेशन है तो पाकिस्तान के बगल में ही अफगानिस्तान और ईरान दो मुस्लिम मुल्क हैं, क्यों नहीं ये सब मिल करके एक बन जाते हैं। तो ये एक बहरहाल ये एक लंबी बहस है, अंतहीन बहस है जो चलती रहती है पाकिस्तान में। अभी ये तुर्की वाले सीरियल की वजह से ये बहस नए सिरे से शुरू हुई। इसी बहस को परवेज हुद भाई ने अभी एक ख़ास तरह की जिसे आप कह सकते हैं कि तेज़ी प्रदान की और पूरे पाकिस्तान में इस तुर्की वाले सीरियल को लेकर के ये बहस चली। ये कहा गया कि हम कैसे एक्सक्लूसिविटी में किस तरह से हम लोगों को और विचारधाराओं को अपने से दूर करते हैं, कैसे हमारा नैरेटिव बड़ा सिकुड़ता जाता है, उसके कुछ उदाहरण परवेज हुद भाई ने दिए। मसलन पाकिस्तान का जो पहला फिज़िक्स का पहला क्या अकेला नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान के फिज़िक्स में पाकिस्तान को मिला अब्दुलसलाम नाम के एक बड़े वैज्ञानिक को, उसे पाकिस्तान ने कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो अहमदिया थे, यहाँ तक वो मर गए हॉलैंड में और उनकी लाश भी पाकिस्तान नहीं आ पाई। पाकिस्तान मूवमेंट के दौरान और पाकिस्तान के फौरन बनने के बाद सर जफरुल्ला खां का बहुत बड़ा योगदान इस नए देश के लिए था, वो उसके विदेश मंत्री भी रहे और कश्मीर के इशू पर, कश्मीर के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के खिलाफ लंबी लंबी तकरीरें देते थे। लेकिन चूंकि वो अहमदिया थे उनका नाम किताबों से खारिज कर दिया गया। तो ये किस तरह से हम इतिहास के साथ और अपनी परंपराओं के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये परवेज हुद भाई ने यही सारे मुद्दे उठाए। लेकिन उसका खामियाजा उनको क्या भुगतना पड़ा, देखिए परवेज हुद भाई का बहुत एक जिसे आप कह सकते हैं रिच एक्सपीरियंस रहा है और वो दुनिया की किसी भी विश्वविद्यालय में
उनको बड़े सम्मान के साथ प्रोफेसर बनाया जा सकता था। वो खुद MIT में पढ़ा रहे थे और MIT से पाकिस्तान का आकर्षण, अपनी अपने ज़मीन का आकर्षण, अपने देश की सेवा करने का जज्बा उन्हें यहाँ वापस ले आया और इस्लामाबाद की एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने नौकरी शुरू की। लेकिन अपनी अपने विचारों की वजह से और मुखर ढंग से मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने की वजह से उनका एक बिंब तो बहुत आपको पाकिस्तानी मीडिया पे दिखाई देगा। अभी कुछ दिनों पहले जो औरत मार्च हुआ था, उसमें जब कठमल्लों ने उन महिलाओं पर हमला किया तो एक अधिक आदमी खड़ा होकर के एक प्ले कार्ड ले करके और सारी हिंसा के बीच अविचल खड़ा था, वो परवेज हूद भाई थे। तो उसका फिर उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें सबसे पहले जो सबसे प्रेस्टीजियस, जो सबसे जिसकी सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा है पाकिस्तान में लुम्स, उस यूनिवर्सिटी से उन्हें निकाला गया। कहा गया कि साहब वो तो जो जरूरी शैक्षणिक योग्यताएँ वही नहीं पूरा करते। और बहरहाल वो वहाँ से गए तो उनके लिए रोज़गार की कमी नहीं थी, वो दुनिया में कहीं भी जा कर के पढ़ा सकते थे, लेकिन फिर भी वहीं रहे। और FC कॉलेज भी लाहौर का एक अच्छा शिक्षा संस्थान माना जाता है, उसमें उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी। अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट FC कॉलेज से भी काट दिया गया। ये जो बहस चल रही थी उसका जो फौरी जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो उनको FC कॉलेज से अपने कॉन्ट्रैक्ट के खात्मे के तौर पे मिला। तो ये एक ऐसी बहस है, मैंने सोचा इसकी तरफ अपने भारतीय दर्शकों का ध्यान आकर्षित करूं, क्योंकि ये हमारे लिए भी बहुत मायने रखती है। हम भी अपनी शिक्षण संस्थाओं के साथ ख़ास तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं और जिस तरह से हम इतिहास के पाठ्यक्रम बदल रहे हैं, जिस तरह से इतिहास की पाठ्यपुस्तकें बदल रहे हैं और कैसे हम बजाय वैज्ञानिक चेतना उत्पन्न करने के अपने छात्रों में अवैज्ञानिक चेतना पैदा करने का काम कर रहे हैं, इसकी तरफ हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परवेज हूद भाई ने बड़ा दिलचस्प एक प्रकरण अपने किसी इंटरव्यू में बताया कि जब वो इस्लामाबाद में जिन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आए तो जो उनके हेड साहब थे, जो उस डिपार्टमेंट के फिजिक्स के हेड थे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार कर रहे थे। उस सेमिनार का विषय ये था कि जो दोजख है यानी जो नर्क है उसका दर्जा हरारत कितना है, यानी उसमें टेम्परेचर कितना रहता है। और प्लस दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा था जो अगले अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उठाया गया, वो ये था कि दोजख और जन्नत के बीच की जो दूरी है वो कितनी बढ़ रही है, हर साल वो कितने सेंटीमीटर या कितने इंच बढ़ती है। तो ये परवेज हूद भाई ने कहा कि इस तरह के विषय हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे थे और आज भी उसी तरह की चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। तो मैंने जानबूझ करके इस बहस का और परवेज हूद भाई का आज जिक्र करना मुनासिब समझा, क्योंकि हमें खुद भी सोचना पड़ेगा क्या हम भी तो उसी रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह के, जैसे अभी वहाँ के लुम्स के ही एक बड़े सीनियर जो साइंटिस्ट हैं और अपने डिपार्टमेंट के हेड भी हैं, उनकी तकरीर मैं सुन रहा था तो उसमें वो कोविड को लेके कह रहे थे भाई दवा हुआ तो सब आप खाते रहिए लेकिन दवाओं से कोविड का इलाज नहीं होगा। कोविड का इलाज तो कुरान के सूरह रहमान का पाठ सुनने से होगा। तो उसे सुनते हुए मुझे लगा कि हमारे यहाँ भी तो गौमूत्र से कोविड का इलाज करने की बात करने वाले लोग मौजूद हैं। तो ये दोनों देशों में जो समानता है, दोनों देशों में जो एक ख़ास तरह की समानता है, मैं समझता हूँ कि ये बहस उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करेगी। अरसगल गाजी की चर्चा करते समय मुझे अपनी कुछ फिल्में याद आ रही थी जो पिछले 2-3 सालों में हमने बनाई हैं, पद्मावत या कुछ मराठा नायकों के जीवन पर, और उन फिल्मों में स्वाभाविक तौर से वो फिक्शन है तो आप उनमें ऐतिहासिकता नहीं तलाश सकते, आप इतिहास में उनके प्रमाण खोजेंगे तो दिक्कत होगी। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इन फिल्मों के माध्यम से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। शायद ये अरसगल गाजी के बहाने से वही नैरेटिव प्रधानमंत्री इमरान खान बना रहे हैं, लेकिन ये जीवन में और राजनीति में और ख़ास तौर से मुल्कों के इतिहास में ये घालमेल चलता नहीं। देखिए कैसे दिक्कत पैदा हो रही है, प्रधानमंत्री इमरान खान अपने को एक आधुनिक और
टॉलरेंट लीडर के तौर पर भी पेश करना चाहते हैं। उन्होंने लगातार कहा कि नहीं, माइनॉरिटीज़ को जो अकलियतें हैं उनको पाकिस्तान में वो सारे हक हकूक मिलेंगे जो मेजॉरिटी को मिले हुए हैं, लेकिन वो जब कोई क्राइसिस आती है तो किससे कैसे पैर पीछे ले जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी दिखाई दिया, इस्लामाबाद के हिंदुओं को उन्होंने कहा कि वो अपना एक मंदिर बना सकते हैं। इस्लामाबाद में अभी तक हिंदुओं का कोई मंदिर नहीं था। आपको पता होगा इस्लामाबाद तो बहुत बाद में बसा हुआ शहर है, 1960 के दशक में बना था। अब वहाँ बहुत सारे हिंदू रहते हैं, क्योंकि राजधानी है देश की, तो नौकरी के सिलसिले में, तजारत के सिलसिले में बहुत सारे हिंदू आके बस गए हैं। उनके पास ना तो कोई मंदिर है उस इलाके में और ना ही कोई शमशान घाट है। तो ये एक अच्छा जेस्चर था, प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें ज़मीन अलॉट कराई और 10 करोड़ रुपए पाकिस्तान सरकार ने दिए। लेकिन जैसे ही मंदिर की दीवार बननी शुरू हुई, अभी वो जो जगह मिली थी उसको घेरने का काम हिंदुओं ने शुरू किया, कठमल्लों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और उसे रोकना पड़ा। और मुझे नहीं लगता कि वो मंदिर बन पाएगा। वहाँ के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इसके खिलाफ़ खुलेआम बयान दे रहे हैं। पंजाब असेंबली के जो स्पीकर साहब हैं चौधरी साहब, वो इसके खिलाफ़ खड़े हो गए। तो अब ये इमरान खान के लिए सिवाय कदम पीछे हटाने के मुझे नहीं लगता कि कोई चारा बचा है। यहाँ तक कि उन्होंने ननकाना साहब में जो सिखों के लिए किया, एक पुराने गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार कराया, उसमें काफ़ी पैसा लगाया और यात्रा की इजाज़त मिली, भारत से अब सिख जा सकते हैं और जा कर के दर्शन कर सकते हैं उस गुरुद्वारे में। तो गुरु नानक के जीवन से जुड़ा हुआ गुरुद्वारा है, सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने गलती से ननकाना साहब कह दिया, ननकाना साहब नहीं, ये तो डेरा बाबा नानक भारत का जो है उसके सामने ये गुरुद्वारा स्थित है। तो आप उसके ऊपर भी कठमल्ले सवाल उठा रहे हैं और इमरान खान काफ़ी हद तक अपने को डिफेंसिव स्थिति में पा रहे हैं, रक्षात्मक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, जो राष्ट्रों के जीवन में या राजनेताओं के जीवन में वो ढुलमुल रह करके बहुत काम चलता नहीं, और ये या तो आप धर्मनिरपेक्ष हैं या आप धर्माधारित शासन में विश्वास करते हैं, दोनों चीज़ें होना ज़रा मुश्किल है। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।